भूमि को प्रणाम कर लीजिए, भूमि देव को प्रणाम करके नमस्कार करके पृथ्वी लोका देवी तम विष्णाय सहस्रमूर्त सहस्र अपने वृक्ष को जब पल्लवित पुष्पित फलित दिखता है जितना प्रसन्न होता उतने प्रसन्न मैं हुआ। जो भव्य आयोजन है, भव्य तैयारियां है, उसे लेकर क्या कहना है? आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, नव्य अयोध्या आप तैयार कर दे ना भैया, ना नव्य अयोध्या कही जा रहा है। नव्य अयोध्या तो दुनिया की सबसे सुंदर नगरी होगी। अपील क्या है हर जन से, हर भक्त से? बस राम जी के आदर्श का पालन करते रहे। महाराज जी, महाराज जी आपने कहा कि कश्मीर भी हम लेंगे, क्या है वो तय हो गया? क्या कश्मीर लेंगे? अच्छा महाराज जी, पीएम मोदी भी क्या अमृत महोत्सव में शामिल होंगे? निश्चित होंगे महाराज जी। एक जहन में लोगों के सवाल उठता था, क्या जीवन काल में राम मंदिर बन पाएगा? महाराज जी तमाम जो सारे सवाल थे, क्या सारा जवाब मिल गया आपको? सारा सवाल यहाँ महाराज जी। एक सवाल ये है कि काशी अयोध्या अब आगे, अब मथुरा, आज सुप्रीम कोर्ट में चला गया मथुरा का प्रकरण, नीचे पर फिल्म खराब कर रहे हैं, सुनवाई हो रही है। हम तो अल्फाबेटली चल रहे हैं, यही ऊपर इंडिया पकड़ो। कहा यह जा रहा है कि ये जो भव्य आयोजन है, इससे पहले आतंकी साजिश की भी कहीं न कहीं बड़ी सी उग्रवाहट है, उसका दंड उन्हें मिलेगा, इतना कठोर दंड मिलेगा। महाराज तो उनकी नानी याद आएगी। महाराज जी, पीएम मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या को लेकर के कुछ या इस आयोजन को लेकर बात हुई? मित्र मित्र की मुलाकात सार्वजनिक की जाती है क्या? वो तो आनंद था हमारा उनका। तो यहाँ पे जो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा महाराज, उसमें पीओके का क्या कनेक्शन है? पीओके का, पीओके क्या इसे? हाँ मैं पीओके समझ गया, कनेक्शन तो है ही। हनुमान जी सीता जी को लौटा के लाए थे, तो हनुमान जी का यज्ञ करें जिससे कश्मीर की भूमि हमको मिल जाए। महाराज जी रामायण पर कई मंत्रियों ने बेतुका बयान दिया हुआ है। मूर्ख है, मूर्खों की बात क्या करूँ, मूर्खास्ते ने विचार नहीं चरिता। महाराज जी रामचरित मानस पर लगातार मैंने उत्तर दे दिया, मूर्ख है बेटा। महाराज जी हिंदू राष्ट्र के लिए हम यत्न कर रहे हैं, भगवान करे हिंदू राष्ट्र बन जाए। थोड़ा नीचे का लगा, पहली बार लगा रहे हो, बराबर लगाओ मेरे। जो तुम लोग त्रेता जैसा खिला नहीं रहे हो। ठीक ठीक ठीक।